खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि सीमा के फोन की फॉरेंसिक जांच से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज आपके लिए बहुत बड़ा न्यूज लाए हैं, एकदम धमाकेदार न्यूज है। तो ये न्यूज है, सीमा जो भाग के आई है पाकिस्तान से, सचिन के साथ रह रही इंडिया में, उनका बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। तो उसी का न्यूज है, आप सभी के सामने वीडियो लाया हूँ, तो चलो आप सभी को दिखाते हैं। लगभग डेढ़ महीने तक सीमा अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन के साथ रही। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। सीमा पर इस तरह से भारत में घुसने पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, जो सीमा को शक के घेरे में खड़ा करते हैं। और इसी बात की पड़ताल के लिए जब रिपब्लिक के कैमरे पर सवाल पूछे गए तो सीमा सवालों के जवाब से बचती नजर आई और कुर्सी छोड़कर उठकर चली गई। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए जरा। मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं सर, मैं एक औरत हूँ अपने बच्चों के साथ। नहीं, आप इमोशनल एंगल पे जा रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। तेरा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी, आप बात समझिए। क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूँ आप प्यार की बात करें, आप उठ रही ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती, लेकिन बात समझिए, आप प्यार की बात कह के उठ रही हैं, आप उठ जाइए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, जो मैंने कहा, अगर बात सिर्फ प्यार की होती तो क्या किसी के भी घर में घुस के आप प्यार का इजहार कर सकते? वो कैमरा रखिए लाइव घर में, कीप दैट फ्रेम लाइव घर में। अगर बात प्यार की है तो क्या आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे और बोलेंगे मुझे प्यार है मैं यहां रहूंगा? नहीं, आपको नियम फॉलो करने पड़ते हैं, आपको कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप नियम या कायदे फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर धाराएं लगती हैं। सीमा को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। रिपोर्ट की माने तो सीमा के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत का आधार कार्ड भी मिला है। ग्राम हैदर से शादी का सर्टिफिकेट भी सीमा अपने साथ भारत ले आई थी। सीमा के पास से मिले फोन और अन्य चीजों की जांच हो रही है। सीमा का इस तरह से नेपाल के रास्ते भारत आने पर सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सीमा हैदर और सचिन के पबजी वाली प्रेम कहानी में कई लोचे बताए जा रहे हैं जो शक पैदा करते हैं। पहली बात तो एक पाकिस्तानी नागरिक अपने चार बच्चों समेत अवैध रूप से भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आकर आराम से रहने लगती है। भारत में नेपाल के रास्ते हो रही घुसपैठ का ये एक उदाहरण है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ हनी ट्रैप का खूब इस्तेमाल होता आया है। हनी ट्रैप यानी खूबसूरत पाकिस्तानी लड़कियां, जो असल में जासूस होती हैं, अपने हुस्न के जाल में भारतीय नागरिकों या अधिकारियों को फंसाती हैं और प्रेम संबंध के जाल में फंसा कर उनसे गुप्त और संवेदनशील जानकारियां हासिल करती हैं। क्या सीमा हैदर गुलाम के तार भी जासूसी से जुड़े हैं? सीमा के पास से मिले दस्तावेज भी शक पैदा करते हैं। जिस बिंदास अंदाज में सीमा गुलाम हैदर मीडिया के सामने दिख रही हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि या तो वो बहुत मासूम है या बहुत शातिर। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कि आप इतने पासपोर्ट और मोबाइल फोन कहां से लाई सीमा जी? मेरी बात सुने, इतने पासपोर्ट क्या मतलब? पांच पासपोर्ट थे, चार मेरे बच्चों का, एक मेरा, और एक मेरा रद्द हो चुका था पासपोर्ट, वो था सर, वो मेरा सारा कानून को सच बता दिया। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि कभी 17 को मेरे पापा की डेथ हुई, कभी 15 को, ना 17 को मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पापा की डेथ हुई। मैं 2022 आप क्लियर कर रही हैं, धन्यवाद। है जो उनका डेथ भी वो है वहाँ पे होगा पाकिस्तान में, ठीक है सर। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसको कलमा नहीं आता, ये हट जाती है, मैंने कभी भी नहीं हटी, मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि ये सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं धर्म बदल चुकी हूँ, तो मैं मुंह पे लाना नहीं चाहती, सिर्फ यही कारण है। और अगर आप कहते हैं ये कारण है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। बात करें, मैं आपको पूरा कलमा पढ़ के बताऊंगी। कलमा क्या? नहीं, क्योंकि मैं जानता नहीं कलमा, तो मुझे पता नहीं आप क्या करेंगे, लेकिन अगर ये कारण है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। देखा आपने इस वीडियो को जिसमें जब सीमा से पासपोर्ट को लेकर सवाल किया जाता है तो कैसे
और किस अंदाज में सीमा ने जवाब दिया। अब जरा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें डिफेंस एक्सपर्ट जनरल एसपी सिन्हा बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं। शी इज अ हाईली ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड आईएसआई एजेंट। ये अव्वल दर्जे की कलाकार है, पांचवा क्लास पास, चार लैंग्वेजेस जानती है, एक्टिंग में माहिर है। देखिए जब अभी मीडिया पे आ रही थी तो किस तरह से पल्लू ले रही है, हिंदी हिंदुस्तान के सनातन कल्चर को दिखा रही है। ये महा बड़ा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ये विश्व कन्या के रूप में हिंदुस्तान के तरफ आई है और मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, शी इज सेकंड इशरत जहान। और ये मोदी जी किसके टारगेट पे हैं और वाई जेवर एयरपोर्ट, ये नेपाल से यदि नियत साफ था तो ये सिंध से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया और नेपाल बॉर्डर से फिर एनसीआर, फिर जेवर एयरपोर्ट जहाँ पर मैक्सिमम फौजी रहते हैं ताकि उनको हनी ट्रैप करो, एक नेटवर्क बनाओ स्लीपर सेल्स का। खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि सीमा के फोन की फॉरेंसिक जांच से सच्चाई सामने आ सकेगी। इसके अलावा भी सीमा की पूरी कुंडली खंगालने में खुफिया एजेंसियां जुट गई हैं। तो आप सभी ने देखा इस वीडियो को कि किस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये सच बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है। इसको आता वाता कुछ नहीं, खाली ढोंग रच रहे प्यार का, बाकी आता कुछ नहीं। ये कुछ नहीं बोल पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। आखिरकार में पकड़ी आएगी, फिर आप सभी देखना जब पकड़ी आएगी ना तो हम और इस पर एक वीडियो लाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।